राहु केतु 30 अक्टूबर 2023 को राज परिवर्तन हो रहा है। राहु मेष राशि से मीन राशि में, केतु तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वालों के लिए क्या रहेगा राहु केतु का प्रभाव, क्योंकि राहु केतु 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। अब 18 महीने राहु केतु राहु मीन पे और केतु कन्या पर ही रहेंगे, आपके यानी चतुर्थ और दशम स्थान पर ही विराजमान रहेंगे, जो कि चौथा स्थान भूमि, हवन, वाहन, सुख, समाज में प्रतिष्ठा और दसवां स्थान बिजनेस, नौकरी और माता और पिता। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये क्या फल देंगे आपके लिए, अच्छा या खराब। राहु माता पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन के कार्यों में रोड़ा और खर्च अधिक बढ़ जाएगा, जिसको लेकर भाग दौड़। आपको पुरानी चीजें नहीं लेना चाहिए, ऐसे में अगर पुरानी चीजें लेते हैं, चाहे गाड़ी हो या पुराना मकान ही हो, उसमें आपको बार बार दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपको और तो ठीक रहेगा, लेकिन माता पिता से भाग दौड़, कष्ट, माता पिता से अनबन की भी संभावनाएं बढ़ सकती है। राहु की पांचवी दृष्टि 18 महीने तक अष्टम पर रहेगी, गाड़ी इत्यादि बड़ा धीरे चलाएं और पेट संबंधी भी आपको दिक्कत आने की संभावना कम रहेगी। राहु की सातवीं दृष्टि दशम पर होने से मन के मुताबिक किए हुए कार्यों में पूरी सफलता आपको नहीं मिलेगी। नवी दृष्टि खर्च पर होने की वजह से आय से खर्च अधिक बना रहेगा, जो भाग दौड़ विशेष करनी पड़ेगी और कभी कभी ऋण तक आपको लेनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। राहु आपके लिए खर्च भरे लेकर आएंगे, केतु अचानक आपको सफलता दे सकते हैं, इसलिए अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप काल भैरव स्रोत का बराबर पाठ करते रहिए तो राहु केतु बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। इन शब्दों के साथ हम अपनी गाड़ी को ध्यान देते हैं। श्रीमान नारायण।